उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम् शीर्षे च मन्दाकिनी वामांके गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः। शंभवे जम्बोवत जलबिम्बवत जलजव जम्बालवत जालवत। यद् वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धन तान् भाष्य वित्तक गुरून् प्रणमामि मूर्धना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ सत्संग के लिए हम सबको यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके प्रति परमात्मा का अनुग्रह और अपने जन्मांतर के सुकृत के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जो अतीव महिमा संपन्न ग्रंथ है और कहा गया है सकृत गीताम वसे स्नानम संसार मलनासनम, साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमस प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, ऐसी महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है। आइए आरंभ में कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं साथ में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 19 और उससे आगे श्री भगवान वाच के साथ। श्री भगवान वाच बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्
मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन है और कृपा से आपूरित भगवान है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देना चाहा और अर्जुन भगवान के उपदेश को ग्रहण करते हैं, परंतु मध्य में उनको अनेक प्रकार के संदेह होते हैं, उनको प्रश्न जागृत होते हैं, तो उन प्रश्नों को भी अर्जुन बीच में पूछते हैं, अपने संदेहों का भी रखते हैं। तो भगवान मुख्य प्रसंग का प्रतिपादन करते करते भी अर्जुन के द्वारा पूछे गए अनेक अवांतर प्रश्नों का भी समाधान करते हुए मुख्य रूप से आत्म तत्वों का, स्वयं के स्वरूप का ख्यापन प्रसंग में करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो आत्मा है, जिसको ब्रह्म कहा गया, जिसको अहम के द्वारा कथन किया जाता है, वह यह जो आत्मा है, इसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करते नहीं है, अतः यह अधिकारी और प्राप्तव्य वस्तु दोनों की ही दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ब्रह्म और ईश हूँ, ईश्वर हूँ, ऐसा कहकर के भगवान अर्जुन को अपने अनेक रूप और साथ में स्वरूप का भी कथन करते हैं, अर्थात समझाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह जो अनेक प्रकार के भक्त हैं, जो एनकेन प्रकारेण मुझ परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो भक्त अर्थात मेरा भजन करने वाले पुरुष विशेष व्यक्ति हैं, जो भजन तो मेरा करते हैं परंतु उनको मेरे स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आकांक्षा उनको रहती है। भगवान इससे दुखी नहीं होते कि कोई व्यक्ति परमात्मा के पास जाकर के, भगवान के पास जाकर के, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की याचना करे। और व्यावहारिक दृष्टि से यह स्वाभाविक भी है कि किसी के पास आप जाएं और कहें कि आपसे मुझे अमुक वस्तु की आकांक्षा है, ऐसा कहें तो वो व्यक्ति उठा करके दे सकता है, यही उचित भी प्रतीत होता है। परंतु यदि आप जाकर के कहें कि मैं आपसे, आपको ही स्वयं मांगने याचना करने आया हूँ, तो व्यवहार में जिस प्रकार से यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, तद्वत भगवान भी इस बात को जानते हैं कि हाँ, एक अज्ञानी जीवात्मा आकर के यदि मुझ मेरे सामने उपस्थित होकर के आर्त भाव से अथवा अर्थार्थी होकर के कोई वस्तु की आकांक्षा कर रहा है, तो वह भी कोई निंदनीय नहीं है, वह भी उदार ही है अर्जुन, वह भक्त ही है। परंतु इतना होने पर भी ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, इसलिए ज्ञानी किंचित विशिष्ट है, वो विशेषताओं से युक्त है, वह मेरा प्रिय है और प्रेष्ट है, ऐसा कहना चाहते हैं। कितनी प्रशंसा भगवान ज्ञानी की करना चाहते हैं, ज्ञानी के लक्षणों की कथन फिर से भगवान करने वाले हैं, और पूर्व में भगवान ने दो तीन लक्षण और उनकी विशेषताओं का कथन किया। युक्तात्मा होकर के परमात्मा में रहता है, अर्थात परमात्मा को आत्मत्व तो नहीं जानता है, आस्थित अर्थात उसका दृढ़ निश्चय है, माम एव अनुत्तमम गतिम मन्यते, मुझ परमात्मा को ही श्रेष्ठतम गति और गंतव्य ज्ञेय पदार्थ के रूप में मानता है, ऐसा मानने वाला ज्ञानी है अर्जुन, इसलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा कहते हैं। कितना प्रिय है उसका निदर्शन पुनः भगवान अगले श्लोक में करना चाहते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञानी रूपी महात्मा है, वह अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, अर्थात कि दुर्लभों में भी अति दुर्लभ है, विरलतम है और दुर्लभतम है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं, और उसकी संज्ञा महात्मा ऐसा कहते हैं।
अब लोक में प्रसिद्ध रूप से महात्मा तो आप हम सब जानते ही हैं कि अमुक महात्मा है, पर भगवान यहाँ ज्ञानी को सबसे बड़ा महात्मा मानना चाहते हैं। भगवान ने कहा वो महात्मा है, परंतु भगवान ऐसा कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो ज्ञानी भक्त है मेरा, वो कोई एक जन्म में ज्ञानी नहीं बना हुआ है। उसने जन्म जन्मांतर तक और न जाने जब से सृष्टि हुई तब से लेकर के ही वह नित्य निरंतर मेरा भजन और यजन करता है। तो स्वाभाविक रूप से वह मेरा प्रिय होना तर्कसंगत भी है। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो आदिकाल में उत्पत्ति के प्रारंभ में सनक सनंदन इत्यादि ऋषि मुनि थे, वो जन्म से ही वैराग्य को उन्होंने धारण कर लिया और जाकर के नित्य निरंतर परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गए। तो वह लोग तो भगवान के लिए स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रिय होंगे, इसमें किसी प्रकार के आश्चर्य की बात नहीं है। वो तो नित्य सिद्ध पुरुष है, अर्थात सृष्टि के आदिकाल से ही वह सब ज्ञानी हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज हैं जो जन्म ग्रहण करते ही सन्यासी होकर के महात्मा बन करके निकल गए जंगल की ओर, वन में चले गए अपने पिता भगवान वेद व्यास को छोड़ करके। तो वह भगवान को प्रिय नहीं होगा तो कौन भगवान को प्रिय होगा? तो जो नित्य सिद्ध हैं, जो नित्य मुक्त हैं, जो जन्म से ही देवर्षि नारद इस जन्म में जब नारद बने तो उस समय भी प्रातः काल से अर्थात जन्म के आरंभ से ही वो भगवान के गुणानुवाद में लगे हुए हैं, तो वो तो भगवान के अतीव प्रिय होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यहाँ भगवान उन भक्तों की बात करना चाहते हैं जो आर्त से, जिज्ञासु से, अर्थार्थी से उत्तीर्ण होकर के शनै शनै सकाम भक्ति करते करते धीरे धीरे उसके अंतः से कामनाओं के हट जाने पर अथवा कामनाएं उपशम हो जाने पर या अन्य किसी प्रकार से कामनाओं की पूर्ति में बाधा आने पर यत्किंचित तरीके से वैराग्य होकर के वह निष्काम भक्ति करना प्रारंभ किया जिसने, और शनै शनै वह व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो गया, उसको भगवान यहाँ दुर्लभ ऐसा कहना चाहते हैं। अन्यथा तो प्रत्येक सृष्टि में जो आदिकाल से नित्य मुक्त महापुरुष लोग उत्पन्न होते हैं ऋषि मुनियों के रूप में, वह तो भगवान के स्वरूप को जानने वाले ही हैं, वह तो ज्ञानवान है ही हैं। परंतु यहाँ भगवान उनके साथ साथ जो एक सामान्य पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करके शनै शनै वो उत्तीर्ण होकर के ज्ञानवान हो गया है, परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो गया है, ऐसे भक्तों को भगवान यहाँ सुदुर्लभ कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये विचार की बात है कि एक आर्त है, एक जिज्ञासु है, एक जन्म में आर्त बना, उसके जन्म भर की इच्छाएं पूरी हो गई, परंतु अगले जन्म में जाकर के फिर वह किस प्रकार से उसकी जीवन पद्धति होगी, धन संपदा से युक्त होगा अथवा नहीं होगा, आयु बल इत्यादियों से भी वो संपन्न होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने जिन वस्तुओं की प्राप्ति की है वो लौकिक और भौतिक पदार्थ थे। कोई जो पशुकाम था, पशुओं की आकांक्षा थी, कोई अर्थार्थी धन की आकांक्षा थी, कोई विद्यार्थी था, विद्या की आकांक्षा थी, तत्तद् वस्तु की इस जन्म में पूर्ति हो गई, होने के अनंतर फिर वो पदार्थ समाप्त हो गए, उनको यथकिंचित तरीके से उससे उपभोग करके सुख दुख अथवा जो भी उसको फल प्राप्त होना था पदार्थ से, वह फल प्राप्त करने के अनंतर फिर नष्ट हो गए, तो फिर तो उसको ज्ञानी बनने की योग्यता उस पदार्थों से नहीं हुई। पर कोई ऐसे भी पुरुष हैं जो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, ऐसा भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंतिम में है अर्जुन कोई पुरुष ज्ञानवान, ज्ञान से संपन्न होता है, तो वह मुझे माम प्रपद्यते है, मेरे शरण में आता है। अब यहां पर भगवान को अर्जुन संदेह कर सकते हैं कि अच्छा, यह संसार के सारे प्राणी दुखी होने पर तो जाते ही हैं आपके पास, तो क्या इनको भी जन्मांतर तक इसी प्रकार आप दुख दरिद्रता से युक्त होने पर आपके पास जाने का अभ्यास है, अथवा यह स्वाभाविक रूप से जाते हैं, या किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के जाते हैं, या गतानुगतिक होकर के एक दूसरे को देख करके जाते हैं?
तो अर्थार्थी जिज्ञासु और आर्त भक्त तो लोकानुवाद करते हुए संसार के अन्य किसी को देख सुन करके भी जा सकता है, परंतु यहाँ आत्मत्वेन और ज्ञानी जो भक्त होगा वो देखा देखी में किया गया यह उसका कर्म नहीं है, वो यथार्थ रूप से ही ज्ञानवान परमात्मा के स्वरूप के संबंध में उसको ज्ञान है। उस ज्ञान को आधार बना करके सनई सनई उसको अत्यंत दृढ़ करके अपरोक्ष रूपेण परिणत कर लिया है, ऐसा व्यक्ति नित्य निरंतर परमात्मा को भजता है। अभिन्नत्वेन आत्म एव अभूत आत्मैव अभूत ऐसा कह करके वह भजन करता है। परंतु यहाँ बहुनाम जन्मनाम अंते यह प्रश्न इस प्रकार से खड़ा हो गया है कि हे केशव आप कहते हैं बहुत जन्मों के अंते अंतिम में, तब तो फिर सभी पशु पक्षी प्राणियों को बिना कुछ प्रयास किए ही यह किसी बहुत जन्मों के अंतिम में वो भगवान के शरण में जाएगा ही, इसके लिए पुरुषार्थ आदि करने की उस प्रकार से प्रयोजन है क्या, यह संदेह आता है। क्योंकि भगवान यहाँ कहना चाहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान ने कहा कि बहुत जन्मों के अंतिम में, भाष्यकार भी इस प्रकार से कहते हैं बहुनाम जन्मनाम और मध्य में कहते हैं ज्ञानार्थ संस्कार आर्जना आश्रयाणाम अंते समाप्तौ ज्ञानवान प्राप्ति परिपाक ज्ञानो माम वासुदेवम प्रत्येक आत्मानम प्रत्यक्षतः प्रपद्यते, ऐसा भगवान भाष्यकार कहेंगे। उनकी पंक्तियों की भी हम लोग यहाँ यथासंभव चर्चा करेंगे, पर यहाँ मुख्य बात समझने की और संदेह क्या है कि भगवान ने सीधा सीधा अर्जुन को ये कहा बहुत जन्मों के अंतिम में है अर्जुन, ज्ञानवान पुरुष जो होता है वह मेरे शरण में आता है और उसको वासुदेव सर्वमिति ऐसा कह करके ज्ञान हो जाता है और ऐसा महात्मा तो अत्यंत दुर्लभ है, यह भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। किसकी प्रशंसा है भाई, तो ये कहते हैं ज्ञानियों की प्रशंसा है, अर्थात ज्ञानी भक्तों की प्रशंसा है। तो यहाँ ऐसा संदेहग्रस्त न हो जाए कि फिर ये ज्ञानी भी और भक्त भी, इस प्रकार का भी यहाँ संदेह नहीं है। उसको आत्मा का परोक्ष रूप से ज्ञान होने के अनंतर जिस श्रवण मनन निधि ध्यासन इत्यादियों के माध्यम से अपने आत्मतत्व को स्वयं परमात्मा से अभिन्नत्वेन ध्यान करके निमग्न रहता है। भगवान भाष्यकार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा ही है सो स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, अपने आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है ऐसा कह करके कुछ लोग मानते हैं, यह एक लक्षण है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी सो स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, अपने आत्मा के स्वरूप का अनुसंधान करना, करते करते उसने अनुसंधान और जो भक्ति करेगा वही भक्त कहलाएगा। और अपने आत्मा का अनुसंधान कौन करेगा, जो परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला होगा, परोक्ष रूपेण उसने जान करके उस परोक्ष को अंततोगत्ता अपरोक्षतया परिणत कर लिया है अथवा परिणत करने के प्रयास में है। शास्त्र गुरु वाक्य इत्यादियों के श्रवण से शब्द से जो उसको परोक्ष ज्ञान हुआ था अर्थात ये परमात्मा है, जगत का कारण है, ईश्वर है, ऐसे ऐश्वर्य गुण इत्यादियों से संपन्न है, ऐसी ऐसी योग्यता अथवा निर्गुण है, निर्विकार है, निष्कल है, जैसा भी उसने समझा था, परंतु मैं वह आत्मा हूं ऐसा उसको भान नहीं था, यही उसका दृढ़ीकरण है कि वह अभिन्नत्वेन आत्मत्वेन स्वात्म रूपत्वेन अपने स्वयं के आत्मा के रूप में परमात्मा को अभेदतया जब जान लेगा उसके अनंतर वह क्या करेगा। अच्छा, इस बात को दूसरे प्रकार से ऐसा स्मरण किया जा सकता है कि यदि भगवान अब ध्यान करें, कथाएं आती हैं ना पुराणों में, भगवान द्वारका में रह करके मथुरा में रह करके भी प्रातः काल संध्या काल ध्यान करते हैं, अथवा हो सकता है कि भगवान भी लीला के लिए उस जाति वर्ण में आए हैं तो अपने वर्णाश्रम के अनुसार नित्य कर्म करते हों, हवन तर्पण इत्यादि करते हों, पितरों को पिंडदान और ऋषियों को तर्पण करते हों, ये हो सकता है। परंतु ध्यान में निमग्न होकर के जब बैठे हैं भगवान तो किसका ध्यान करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से भगवान भगवान का ही ध्यान करेंगे, अपने आत्मा का करेंगे, स्वरूप का करेंगे, स्वयं का करेंगे। तदवद यह जो ज्ञानी भी ब्रह्मविद होकर के ब्रह्म ही हुआ है,
वह भी इसी प्रकार से स्वात्म स्वरूप का ही चिंतन करता रहता है। वह जो ज्ञानी है उसकी बात यहाँ भगवान करना चाहते हैं। ऐसा जो ज्ञानी भक्त जो अपने आत्मा का ही भगवान वासुदेव के रूप में नित्य निरंतर चिंतन करता है, वह तो है अर्जुन बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में जाकर के जब उसको ज्ञानवान इस प्रकार से ज्ञान संपन्न हुआ है, तब वह माम प्रपद्यते मेरे शरण में आया है। इसलिए उसके जन्म जन्मांतर के सुकृतों को देख करके भी, उसके परिश्रम पुरुषार्थ को देख करके भी, उसने के द्वारा किए गए जन्म जन्मांतर तक के कृत परिश्रम को देख करके भी, मेरे में मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए गए उसके त्याग और तपश्चर्या को देख करके भी, यह ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठतम है ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित ही है ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। परंतु बहुत सारे संदेह करने वाले लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई पिछले जन्म में आपने क्या क्या कर्म किए थे, क्या क्या संपन्न किया था, यह तो सबको भान और बोध रहता नहीं है। तो हमने पिछले जन्म में ज्ञान का मार्ग अपनाया था, परमात्मा का ध्यान धारणा किए थे, अथवा बड़े अन्य प्रकार के दुष्कर कर्म संपादन किए थे, या योग में मैं पारंगत और पटु हो गया था, यह किसको पता है। तो ऐसा भी संदेह करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उन लोग कहते हैं कि जन्मांतर नाम की कोई चीज नहीं है। पर भगवान यहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत में। पर उससे पहले जो संदेह उत्थापित किया गया था कि बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहेंगे, पहले वाले संदेह को देख लें, बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, बहुत जन्मों के अंतस में जाकर के ज्ञानवान हो जाता है। तो फिर तो बिना परिश्रम पुरुषार्थ के ही कभी ना कभी जब अंतिम जन्म आएगा तो फिर तो मनुष्य ज्ञानवान हो ही जाएगा ना। तो ये संदेह करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में भटकते 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 कभी तो ऐसा एक ज्ञान वाला आएगा। वो कहते हैं बिगड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक समय बताती है, जब सुई के कांटे 12 बजे अथवा जहां पर भी रुका हुआ है वहां पहुंचने पर। तो तद्वद यह जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जब भी अंतिम जन्म आएगा तो उस अंतिम जन्म में जाकर के ज्ञानवान हो जाएगा, तब ये ज्ञानी भक्त हो जाएगा। यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर यह ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ऐसा मानने वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं कि यह जो मनुष्य जीवन है यही ही बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान जन्म ऐसा है। किस चीज का ज्ञान है इसमें, तो कहे वही परमात्मा का ज्ञान है, बाकी ज्ञान तो अन्य ये तो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः, पशु पक्षी मृग इत्यादियों को भी ज्ञान है, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। भगवान ने यहाँ क्या कहा, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंतस में अंतिम में जाकर के ज्ञानवान जो होता है वो माम प्रपद्यते मेरे शरण में आता है, और वह यह ज्ञानी भक्त है। तो बहुत सारे लोगों का जो कथन है कि नहीं नहीं कभी तो कभी अपने आप ही ज्ञानी हो जाएंगे, तो कहा गया कि अपने आप कोई ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ता है। एक आयु हो जाने के अनंतर अपने आप पठन पाठन हो जाएगा ऐसा कहकर के यदि कोई विद्यालय जाने से मुकर जाए तो फिर उसको अक्षर ज्ञान नहीं होंगे। कोई कहे बड़ा हो जाएगा तो पढ़ लेगा अपने आप आ जाएगा, ऐसा कहकर के भी बहुत सारे लोग कहते हैं, परंतु विद्यालय न जाए, पाठशाला का जिसने कभी मुख नहीं देखा, गुरु के कभी उसने दर्शन नहीं किए, तो फिर उसको वर्णमाला कख गग इत्यादियों का ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान तो ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करना होता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ये तो ही जिसलिए कि पशु पक्षी मृगादय ज्ञानी न सर्वे, वो सब ज्ञानी है, उनमें भी तत्त्व विषयों का ज्ञान है, परंतु बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान यह जो चरम जन्म है अंतिम जन्म है जिसको मनुष्य जन्म कहा गया, इसमें विशेष प्रकार का ज्ञान रहता है, जिसमें आत्मा अनात्मा का उसको बोध रहता है, सत्य असत्य का रहता है, धर्माधर्म का रहता है, कृत अकृत का रहता है,
यह जो द्वैतों से विवेक करके अपने ज्ञान, अपने प्रयोजन, अपने उपयोग की वस्तु को संचय करने का जो बुद्धि विशेष है, इस प्रकार से ज्ञान से युक्त ये जो बहुत जन्मों के अंतिम में आने वाला यह जो मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म में माम प्रपद्यते, मुझ परमात्मा के शरण में जब आता है मनुष्य, तब वह मनुष्य ज्ञानी हो सकता है, यह बात भगवान कहना चाहते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते, अंत का अर्थ करेंगे या चरम, चरम जन्म में जब श्रेष्ठतम जन्म आ गया, मनुष्य जो चरम जन्म है इसमें आकर के भी यदि उस प्रकार से परमात्मा के शरणागत नहीं हुए और आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं किए, तो फिर से वो दूसरी दूसरी योनियों में भ्रमण करता रहेगा और भटकता रहेगा, भटकते 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 फिर कभी मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बनकर के चरम जन्म तो पाया परंतु वहां से फिर पतन हो गया, पतन हो गया अर्थात वहां से वो पेड़ पौधे बन गया, पशु बन गया, वृक्ष बन गया, पत्थर खंड बन गया, पर्वत बन गया, हजारों वर्षों तक वो पत्थर शिलाखंड बन करके वहीं रोता रहेगा। तो भगवान यह कहना चाहते हैं कि यह जो बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्मों में, आचार्य मधुसूदन स्वामी पाद भी ऐसा ही कुछ कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम बहुत जन्मों तक, किंचित किंचित पुण्य उपचय हेतु नाम अंते, बहुत जन्मों में थोड़ा 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 पुण्यों का संचय करके। अब इसमें गंभीर बात तो यह है कि बहुत जन्मों के अंतिम में जब मनुष्य जन्म बनेगा, परंतु उसमें भी यह बात है कि आचार्य लोग कहते हैं कि यह अत्यंत पुण्यों के पुंज संग्रहित होकर के जब फल देना प्रारंभ करते हैं, तब जाकर के कभी मनुष्य को अद्वैत की वासना होती है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महाभय परित्राण द्वित्राणाम एव जायते, द्वित्राणाम एव जायते। यह जो परमात्मा संबंधिनी आकांक्षा विशेष है वह कश्चित किसी पुरुष को ही होने की है, और वो भी बहुनाम जन्म नाम अंते, किसी अंतिम चरम जन्म में, बहुत जन्मों के बाद। तो बहुत जन्म में क्या 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 करने पर ऐसा होगा कि बहुत जन्मों में पशु पक्षी बन गए, घास इत्यादियों को खाते रहे और जीवन यापन करके नष्ट करके, किसी का खेत जोत करके और किसी का भार ढो करके अपना जीवन नष्ट कर दिए, तो वो भी अपने परम चरम जन्म को प्राप्त करेगा तो क्या ज्ञानवान हो जाएगा? तो आचार्य लोग कहते हैं नहीं नहीं बहुनाम मनुष्याणाम जन्मे, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते भटकते भटकते अथवा जैसे कैसे भी पुण्यों के तारतम्य से बार 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 मनुष्य बन करके उन तत्तद मनुष्य योनियों में कृत सत्कर्मों के पुण्य संचय करके, कृत सत्कर्मों का पुण्य संचय करके, तब बहुत पुण्य होने पर चरमे जन्मनी सर्व सुकृत विपाक रूपे, उतने जन्मों में किए गए सुकृत के फल को संचय करने के अनंतर तब मैं ज्ञानवान हो जाऊं, तब भगवान के शरण में जाऊं, तब इस संसार बंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसी आकांक्षा जागृत होती है। अन्यथा तो संसार से मुक्त हों यह इच्छा ही किसी के अंतस में जागृत नहीं होती। परमात्मा से पदार्थ की याचना करें और पदार्थ से सुख भोगें, ये इच्छा होती है। हमारे अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो और मैं बड़े सुखपूर्वक रहूं, यह इच्छा होती है। परंतु परमात्मा बीच बीच में यह जिज्ञासा भी होती है कि अच्छा जरो पता तो लगाएं कैसा परमात्मा है, क्या इसका स्वरूप है, कैसा इंद्र है, कैसा कैसे वायु देवता है, कैसा सूर्य का स्वरूप है, यह असो वो जो आकाश में है और यहाँ दक्षिणी अक्षिणी दक्षिण आंख में जो पुरुष है, ऐसा ऐसा कहकर के उसको जिज्ञासा होती है, उसको यह जानने की इच्छा होती है कि अच्छा वो भगवान है जो सबका कल्याण करते हैं और सबको जगत बनाते हैं, वो भगवान कैसे हैं, यह जानने की इच्छा तो होती है। परंतु वो इच्छा होकर के मैं उनके ही धाम में रह जाऊं, उनके स्वरूप के साथ आकारित हो जाऊं, उनका ही गुणानुवाद करने वाला हो जाऊं, भगवान का भक्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा जल्दी से किसी को होती नहीं है। इसलिए यहाँ आचार्य लोग कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम में जाकर के भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्म जन्मांतर तक
सम्यक प्रकारेण अर्जितेन पुण्येन उसके फल स्वरूप जब इसके अंतःकरण में किंचित परमात्मा संबंधिनी जिज्ञासा अथवा शरणागत हो जाओ, ऐसी भाव विशेष की जागृति होती है, तब वो जाकर के ज्ञानवान ज्ञानवान होता है। और जब ज्ञानवान नहीं होगा, चरमे जन्मनी मनुष्य जीवन तो बना परंतु ज्ञान नहीं है परमात्मा का। आप संख्या देख करके गिन करके देख ले संसार के, संसार में जितने भी मनुष्यों की संख्या है ज्ञानी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बड़े बड़े अपने अपने विषयों के पारंगत हैं, धुरंधर लोग हैं, हर एक विज्ञान से लेकर के भूत भौतिक विषयों का ज्ञान उनको उत्कृष्ट रूप से है, उस ज्ञान की कोई निंदा नहीं है। वो अपने अपने विषयों के मूर्धन्य विद्वान हैं ऐसा कहा जा सकता है, आधुनिक भौतिक काल के उन लोग ऋषि मुनि हैं ऐसा कहा जा सकता है, उनके द्वारा बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र खोजे गए यह उनकी महिमा है, अनेक प्रकार के रोगों के निरामय के लिए औषधियों का संधान कर चुके हैं, अनुसंधान करके निकाल चुके हैं, यह उनकी महिमा है, ज्ञानवान है इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जन्म जन्मांतर के दुखमय चक्र से निवृत्त होकर के उन्मुक्त मुक्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान उनमें नहीं है, इसलिए वह अत्यंत अपने क्षेत्र के विशिष्टतम पुरुष होने पर भी माम न प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं कि वो मेरे शरण में आता नहीं, क्यों कर आएगा, उसको मुक्त होने की इच्छा नहीं है, वो भगवान की प्रपत्ति चाहता नहीं है, उस प्रपत्ति से फल की उसको आकांक्षा नहीं है, वो तो ना आर्त भक्त है दुख दरिद्रता की दूरीकरण के लिए भी भगवान के पास जाता नहीं है, ना वो जिज्ञासु है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो तो अपने बुद्धि के बल से किन्नी किन्नी पदार्थों के सम्मिश्रण से उनके ऊंच नीच तारतम्यता से परीक्षण निरीक्षण करके कोई वस्तु बना लिया, वो उसके बुद्धि की महिमा है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसमें किसी प्रकार निंदा और संदेह की भी बात नहीं है। परंतु जिस प्रकार के अंतःकरण के ज्ञान से अंतःकरण की जिस प्रकार की अवस्था और उसमें उसकी शुद्धता निर्मलता इत्यादियों के द्वारा मुक्त होने की पराविद्या के संबंध में आकांक्षा जागृत होती है, ऐसे ज्ञानवान ये नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सिर्फ ज्ञानवान होने से भी काम नहीं चलेगा, बहुनाम जन्मनाम अंते बहुत जन्म बिता लेने पर भी नहीं होगा, मुख्य बात है कि ज्ञानवान हो, वह ज्ञान परमात्मा संबंधिनी हो, बहुत जन्मों का पुण्य संचित किया गया हो और अंततो गत्वा माम प्रपद्यन्ते मेरे शरण में आया हुआ हो, तब जाकर के उस व्यक्ति को अनुभूति क्या होती है। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, तब उसको अरे ये तो संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत केवल और केवल परमात्मा ही है ऐसा बोध और भान होता है। ये जन्म कोटि भी सिद्धा तेसाम अंतेत्र संस्थिति, जन्म जन्मांतर तक सिद्ध होकर के त्याग तपस्या इत्यादियों के द्वारा अनेक प्रकार के वैराग्य इत्यादि गुणों से युक्त होकर के जब वो जन्म जन्मांतर तक बिता लेता है, कई जन्म वो तीर्थों में निवास कर लेता है, कई जन्म तक वो पर्वतों में गिरिकंदराओं में रहता है, कई जन्म तक हिमालय में वो तपस्या कर लेता है, कई जन्म तक वो निराहार रहता है, कितने जन्म उसने बिता दिए भूखे प्यासे रह करके, कितने जन्म वो एक पैरों पर खड़े होके उसने बिता दिया, तब ऐसे 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 हजारों जन्म जब उसके बीत जाते हैं तब उतने जन्मों का पुण्य संचय होता है। यद्यपि ये बातें सुनने में अतिशयोक्ति प्रतीत हो सकती हैं, परंतु अनंत काल की ये जो महिमा है विस्तृत श्रृंखला में मनुष्यों का एक जन्म बीत जाना ये कोई बहुत लंबे समय की बात नहीं है। बुदबुदा इव जायन्ते मशका इव जायन्ते, जैसे जल में बुदबुद और वो छोटे छोटे गोल गोल से बनते हैं और टूट फूट जाते हैं, कोई आघात लग गया बुदबुदे बन गए और वायु के प्रवेग से वो टूट फूट करके फिर जलाकार हो गए, कितना देर लगा। मशका इव जायन्ते, जैसे मच्छर है प्रातः काल बहुत सारे नहीं दिखते परंतु संध्या होते होते संध्या के समय में बहुत सारे मच्छर दिखते हैं, और दूसरे दिन फिर आप देखते हैं रात्रि 12-1 बज जाते हैं तो मच्छरों की संख्या कम हो जाती है, कहाँ चले गए। एक दिन की आयु होती है, दो दिन की आयु होती है, मक्खियों को देखें कुछ दिन की आयु होती है, घास फूस पौधों की देखें 2-4 महीने की होती है, फल पौधों की देखें तो 2-4 वर्षों की होती है, आपके देखते देखते कितने सारे पशु पक्षी प्राणी उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं, तद्वत अनंत सृष्टि में ऐसे अंड
अंड और पिंड ब्रह्मांड में कितने सृष्टियां चल रही हैं और नाश हो रही हैं, ये कोई गिनती के आर पार होने वाली बात नहीं है। इसलिए यह अनंत जन्मों में जब संग्रहित किए गए सत्पुण्यों के फल स्वरूप अंतःकरण में ज्ञानवान परमात्मा संबंधी ज्ञान उदित होता है, तब जाकर के यह भगवान ने तो यह भक्त ज्ञानी बन जाता है अथवा ज्ञानी भक्त हो जाता है, परमात्मा के शरणागत हो जाता है, वो प्रपन्न हो जाता है, तब परमात्मा उसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। अभी अभी तो षष्ठ अध्याय के अंतिम में भी भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ही बहुत बार जन्म और जन्मांतर की बातों का कथन किया। योगिनाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो भिजायते, अर्जुन ने प्रश्न ही यही पूछा था कि अरे केशव, मनुष्य मर करके चला जाता है, इस जन्म में उसने बड़े बड़े तपस्या त्याग इत्यादि किया और मर करके चला गया, तो फिर इसके अर्जुन ने वह सुंदर प्रश्न किया था, अवांतर बात आ गई, पर अर्जुन ने छठे अध्याय के प्रसंग में यह पूछा था कि हे केशव, अभी तो ध्यान धारणा लगा करके बैठे हैं पर ध्यान लगा नहीं, समाधि भी उसकी सिद्ध हुई नहीं, मंत्र भी उसने कोई सिद्ध नहीं कर पाया, न भगवान के दर्शन हुए, और समय आने पर कालगति से बात होकर के वो मर गया, तो फिर तो मर ही गया, तो अब उसके पास क्या रह गया, उसको तो भगवान मिले नहीं, और इधर उसने सत्कर्म इत्यादि भी किया नहीं क्योंकि वो सब छोड़ करके तो ध्यान में बैठा हुआ था, कर्म करता तो मरने के बाद स्वर्ग जाकर के उसको सुख इत्यादि फल की प्राप्ति होती। छठे अध्याय में अर्जुन ने ये पूछा है भगवान ने, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि ही। भगवान को अर्जुन ने पूछा कि अरे कर्म किया तो मनुष्य ने ईश्वर को अर्पण तो किया नहीं और योग सिद्ध करके मोक्ष भी पाया नहीं, अर्थात कर्म करता तो उसको फल की प्राप्ति होती और ईश्वरार्पण बुद्धया करता तो भगवान उसकी रक्षा करते, या सब योग ध्यान धारणा समाधि से अत्यंत ये चित्त की वृत्तियों को निरोध करके तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम जाकर के अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता तो भी उसको कल्याण का भागी बनता, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अर्जुन ने पूछा कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जैसे आकाश में बरसने वाले बादल थे बरसने वाले, परंतु वायु के प्रचंड वेग से उड़ करके छिन्ना इधर उधर छिन्न भिन्न हो गए और बरसे नहीं, तो तद्वत ये मर करके चला गया तो फिर तो इसने कोई किया गया कर्म भी ईश्वरार्पण नहीं था और ध्यान धारणा समाधि से भी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी, क्या नष्ट ही नहीं हो जाएगा केशव? ऐसा पूछने पर तब भगवान ने कहा था कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य जायते विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा था कि अरे अरे अर्जुन, नहीं, जिसने एक बार भी सत्कर्म कर लिया उसका सत्कर्म का फल परमात्मा के खाते में लिख गया, उसके स्वयं के अंतःकरण ने उसको अंकित कर लिया, वो तो सूचीनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो भी जाए थे, अच्छे श्रेष्ठ और उसके अनुकूल अवस्था अनुकूल स्थान अनुकूल वातावरण के साथ उत्पन्न होकर के वहीं से वो अथवा योगिना में योगी ही बन करके कूले भवती धीमता, श्रेष्ठ योगियों के घर में जाकर के वो जन्म ग्रहण करेगा और वहां से फिर से आगे की पद्धति को अपना लेगा। तो यहाँ नष्ट होने की तो बात नहीं है, किसी के मन में संदेह यह आ जाए कि अरे बहुत सारा कर्म तो करें पर मर करके चले जाएंगे तो इन कर्मों का क्या होगा, इनके फल का क्या होगा, अगले जन्म में हम स्मरण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो भगवान ने कहा कि यह तो कभी नष्ट होने वाले नहीं है। प्रयत्न देतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषह अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। छठे अध्याय में भगवान ऐसा कहते हैं कि अनेक जन्म में वह संसिद्धि को लगभग प्राप्त ही हो गया था, उसने बार बार प्रयास किया, उसने अपने किलविश को अर्थात पापों को तपस्या से संयम सदाचार से प्रयत्न से दूर करके वो शुद्ध प्राय हो ही गया था, वह तो अंततोगत्वा जन्म जन्मांतर के सुकृत से अंतिम जन्म में मनुष्य बन करके फिर से एक बार परमात्मा के शरण में जा करके अपने सकल कलमशों को दूर करते हुए भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है। इसलिए जन्मांतर में किया गया पुण्य भी किसी प्रकार से नष्ट होने की संभावना वाला नहीं है, बल्कि यह परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञानी भक्त बनना रूपी यह जो एक अवस्था विशेष है वह एक जन्म की बात तो है ही नहीं।
प्रसिद्ध रूप से पुराणों में इस कथा को आप लोगों को बार बार श्रवण करने को मिलता है। साक्षात देवऋषि नारद जी को भी कितने जन्म के बाद देवऋषि नारद बनने का अवसर मिला। एक ही जन्म में जन्म ग्रहण करते ही देवऋषि नारद नहीं बने। श्रीमद् भागवत महापुराण के बिल्कुल आरंभ में ही ये बात आई हुई है कि भगवान वेदव्यास शोक संतप्त होकर के सरस्वती के तट पर प्रातः काल संध्या वंदन इत्यादि करके बैठे हुए थे, दुखी थे, उनको किसी प्रकार से चित्त में शांति नहीं थी। तो नारदो देवदर्शन, और देवदर्शन नारद आकाश से विचरण करते हुए आए और स्वयं पूछे, अरे वेदव्यास आप कैसे, आप अप्रसन्न है, मलिन मुख आपका कैसे, आपने तो वेद का विभाग किया, पुराणों की आपने रचना की, सब देवऋषि नारद जैसे सबका समाचार पूछते हैं, तो भगवान वेद व्यास का भी उन्होंने हालचाल पूछा। भगवान वेद व्यास ने कहा कि मैं दुखी हूं परंतु नहीं जानता कि क्यों दुखी हूं, मुझे दुख का कारण नहीं पता, पर मैं दुखी हूं, फल दिख रहा है। तब देवऋषि नारद ने कहा था कि हे व्यास, आपको मैं सुख का साधन बताता हूं, वह करना पड़ेगा, परंतु यह आप उस कर्म को संपादन तो करेंगे, परंतु यह कोई इस प्रकार से दुखों की दूरीकरण होने वाला नहीं है, ऐसा कहकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत रचना करने की महिमा का प्रेरित किया था। परंतु उसी प्रसंग में भगवान वेदव्यास जी महाराज को देवऋषि नारद ने अपने जन्मांतर की कथा का ख्यापन किया था कि किस प्रकार से परमात्मा के दर्शन होते हैं, कैसे जन्मांतर उसमें व्यय करना पड़ता है, कैसे अत्यंत अल्प और क्षुद्र जाति में उत्पन्न होने पर भी, जिसको अपने वर्णाश्रम कुल गोत्र का ज्ञान नहीं होने पर भी, ईश्वर के अनुग्रह से और जन्मांतर के संस्कार के कारण प्रयास करते 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 मैं ज्ञानी और देवऋषि नारद हो गया, ऐसी कथा उन्होंने संक्षेप में, वहां तो कई अध्यायों में है पर संक्षेप में इस प्रकार से सुनाया था कि हे वेदव्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र होने के कारण मेरी कहीं प्रतिष्ठा नहीं थी, विद्यालय इत्यादि में जाकर के मैं शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकता था, बाल स्वभाव के कारण मुझे शास्त्र इत्यादि के अध्ययन में रुचि भी नहीं थी, परंतु एक बार दैव संयोग से, भगवान की प्रेरणा से ऐसा हुआ कि जिस स्थान में मैं दासी पुत्र होकर के सेवा सत्कार में था, वहाँ बहुत सारे संतों का समागम हुआ, भिक्षुभिर्विप्रवशिते विज्ञानाद्रेष्टिभिर् मम वर्तमानो वयस्याद्ये ततएतदकारशम्। देवऋषि नारद ने कहा कि हे वेदव्यास जी, जब उन लोग चतुर्मास से व्रत के लिए आए, 4 महीने तक उस स्थान में उन्होंने रहना स्वीकार किया और भगवत कृपा से मुझे भी वहां उनके सेवा करने का अवसर मिला। माता के साथ हमने मिलकर के उन ऋषियों की, मुनियों की और संतों की बड़ी सेवा की। चतुर्मास व्रत समाप्त हो गया और मैं उन संतों के साथ रहते रहते मेरे संस्कार, स्वभाव और इच्छा इस प्रकार जागृत हो गई कि मैं भी साथ चलूं। परंतु माता की ममता के कारण मैं उनको छोड़ करके नहीं जा पाया, पर जाते जाते भी उन महात्माओं ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम बालक हो, अभी छोटे हो, जा नहीं सकते हम लोगों के साथ में, पर तुम अपने ही यहाँ रह करके भगवान का स्मरण करो। ऐसा कह करके उन महात्माओं ने नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, भगवान के मंत्र का उन्होंने उपदेश दिया। छोटे बालक थे, उन्होंने मंत्र जैसे तैसे भी ग्रहण किया और कालांतर में उनके अपनी माता श्री का देहावसान हो गया, अकेले हो गए देवऋषि नारद, तो उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ करके देवऋषि नारद वेद भगवान वेद व्यास जी को यह कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दिया उस स्थान को और निर्जन वन में जाकर के एकांत में तपस्या करने लगा और भगवान को खूब कातर भाव से पुकारने लगा, उनके चरणों का ध्यान करने लगा और बहुत समय तक मैं कातर भाव से ऐसे पुकारते 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 एक दिन अचानक मेरे अंतःकरण में परमात्मा की कोई स्मृति सी प्रकट हो गई, अंतःकरण में प्रकट हो गई। प्रकट होते ही मुझे बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ, परंतु एक क्षण मात्र वो जैसे विद्युत चमकने के समान होकर के फिर वह छवि अथवा वो दृश्य तिरोहित हो गया वहां से
और फिर हमने अपने नेत्र खोले तो मैं कातर भाव से चारों तरफ पुकारने लगा, पर कोई वहां था नहीं, निर्जन वन था। निर्जन वन होने पर भी मैं खूब रोता रहा, पुकारा हमने, तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में परमात्मा ने कहा कि हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् न माम द्रष्टुमिहार्हसि अभिपक्व कषायाणाम् दुर्दर्शो हि कुयोगिनाम्। भगवान ने स्वयं आकाशवाणी के रूप में आकर के हे वेदव्यास जी मुझे कहा कि अभी तुम्हारे अंतःकरण के उस प्रकार से शुद्धि नहीं हुई है, हंत अर्थात तो अभी इस जन्म में तुम्हें मेरे मुझ परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे कषाय अज्ञान अविद्या अंतस का मैल चित्त की जो चंचलता इत्यादि दोष जो हैं वो अविपक्व हैं, अभी पके नहीं हैं, वो कषाय के रूप में बीज रूप में बैठे हुए हैं। जब तक वो समूल नाश नहीं होंगे तब तक दुर्दर्श है मैं, दुर्दर्श मैं हूँ। किनके लिए? तो कहे जिनका अभी योग सिद्ध नहीं हुआ है, जिनका अभी वो श्रवण मनन निधि ध्यान इत्यादि साधन परिपाक नहीं हुए हैं, जिनके ना आंतर साधन ठीक हैं ना उनके बाह्य यम नियम प्राणायाम इत्यादि उनके साधन ठीक हैं, जो अंतस बहिः साधनों से हीन हैं, जिनके कषाय मल इत्यादि चित्त में बैठे ही हुए हैं, योग इत्यादि मंत्र जाप से उन्होंने अपने मल को निरसन और धौत नहीं किया है, उनको तो हे नारद, तब उनका नाम भी कुछ और था, दासी पुत्र थे तो नाम भी सामान्य सा कोई था। तब भगवान ने आकाशवाणी में कहा व्यास जी कि मुझे तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे, परंतु उन्होंने आश्वास दिया कि दर्शन होंगे तुम्हें, तुम भगवान के नित्य सेवक बनोगे। तब से लेकर के कालगति आई और मैं, मेरा यह शरीर भी पात हो गया। उसके बाद लंबी सी कथा देवऋषि नारद भगवान वेदव्यास को सुनाते हैं कि कैसे कैसे मैं पीड़ित रहा, कैसे कैसे हमने तपस्या की, किस प्रकार से सर्ग बीता, किस प्रकार से प्रलय हो गया, और प्रलय में भी मैं मरा नहीं, भगवान के सारे प्रलय को देखता रहा, जलमग्न पृथ्वी को देखता रहा, संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो गया। सारे प्रलय की कथा सुना करके देवऋषि नारद ने कहा जब फिर से प्रलय शांत हो गया, नई सृष्टि होने को थी, तब भगवान की प्रेरणा से उनके अनुग्रह से मैं ब्रह्मा जी के माध्यम से उनके मानस से नारद के रूप में उत्पन्न होकर के नित्य निरंतर भगवान के ही गुणानुवाद और नित्य कीर्तन में देव वहीं पर आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। देवऋषि नारद ने कुल तात्पर्य कहने का क्या था कि देवऋषि नारद जिसको हम लोग प्रसिद्ध जिनको हम लोग प्रसिद्ध रूप से सभी मनुष्यों के लिए, सभी पशु पक्षियों के लिए कल्याणकारी होकर के भगवत पथ के मार्गदर्शक कहे जाते हैं जिन देवऋषि नारद को, वह भी एक जन्म में देवऋषि नारद नहीं बने, उनको भी पूर्व जन्म में कैसे क्षुद्र और अल्प जीवन व्यतीत करने पड़े, उनको भी एक भगवान का जिस मंत्र को हम लोग सामान्य सामान्य की भूल कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे भगवान के मंत्रों को उतनी महत्ता नहीं दे करके, परंतु उन्होंने उन्हीं मंत्रों के आश्रय से जब से जन्मांतर में जाकर के साक्षात ब्रह्मा जी जो जगत सृष्टि करते हैं परमात्मा की विभूति के रूप में, वो उनके पुत्र बन करके देवऋषि नारद हो गए। तो यह जो जन्मांतर तक पुण्य पुंज संचय करने की बात भी विशेष रूप से स्मरण करने की है, उसी बात को भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनाम अंते, सभी जन्मों के अंतिम जन्म में जिस जन्म में ज्ञान होना होता है, अर्थात ज्ञान होने को है अपने साधनों के परिपाक होने के अनंतर, अपने चित्त के सारे कलुषता को धुल जाने के अनंतर, ऐसा ज्ञानी भक्त तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभता की भी बात है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसको अनुभूति किस प्रकार की होती है? अनुभूति होती है वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जन्मांतर की अनेक प्रकार की कथाएं पुराणों में विशेष रूप से आती हैं, वो सबको प्रेरणा के लिए भी हैं और सबके साधनों को दृढ़ करने के लिए भी हैं कि मरणासन्न यावत देह पात नहीं हो जाता तावत परमात्मा के गुणानुवाद चिंतन अथवा अपने साधन में निरंतर रूप से लगे रहने की बात को भी यहाँ स्मरण कराने के लिए भी है, यह भी बात कथन किया जा सकता है। ऋषियों ने जन्म जन्मांतर तक जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
अंतराम कह आवत नहीं, नहीं आ सकता, स्मृति नहीं आती, इसलिए जन्म जन्म तक उसको अभ्यास करना पड़ता है कि ठीक समय आने पर परमात्मा का नामानुस्मरण कर पाए ये जीवात्मा। अन्यथा संसार के जिन पदार्थों के साथ इसका नित्य अभ्यास बना हुआ है उन्हीं अभ्यसित वस्तुओं की ही स्मृति आएगी, स्वाभाविक है। अतः अभ्यास ऐसा करना होता है जिससे अंतिम क्षण में, अंतिम जन्म में, इस मनुष्य जीवन में, चरम जन्म चरम बहुनाम जन्मनाम अंत, अंतिम जन्म का अर्थ ही है, आचार्यों ने यही अर्थ किया है कि वह यह मनुष्य जीवन ही है। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे किसी जीवन में अंतिम है और वहां मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, ऐसी विपरीत कल्पना तो नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जीवन में भी यही यह चेत अवेदित यह सत्यमस्ति, नो चेत यह अवेदिन महती विनष्टि, इसी मनुष्य शरीर में जो अंतिम है, बहुत जन्मों के पुण्य पुंजों के माध्यम से, पुण्य पुंजों के फल स्वरूप यह प्राप्त हुआ है, इसी प्राप्त मनुष्य जीवन में ही ज्ञानवान होकर के, अर्थात परमात्मा के ज्ञानवान होकर के, उसी के प्रपद्यते, उसके शरण में जाता है जो, उसको वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अब यहां एक प्रश्न, जन्मांतर की बहुत सारी कथाएं हैं, मात्र नामस्मरण के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जिनको प्रसिद्ध रूप से पुराणों में राजा चक्रवर्ती भरत जिनको कहा जाता है, जिनसे भारतवर्ष का नाम ख्यात है, भारत भूमि की महिमा है, ऐसे राजा जड़ भरत जो बाद में ब्राह्मण भोग के जन्म में आए थे, जो जड़ भरत बने थे, उन्होंने भी तो तीन जन्म तो पुराणों में उनकी कथाएं आती ही हैं। तो भगवान भी यहाँ कहते ही हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते, राजा बने थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो कितने पुण्य रहे होंगे। चक्रवर्ती सम्राट, उपनिषदों में यह बात आई हुई है कि चक्रवर्ती सम्राट का सुख संसार में सबसे बड़ा सुख है, अर्थात उसका आनंद है, वो सौ सामान्य राजाओं के बराबर उसका अकेले का आनंद है। तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे तो कितने उनके सुकृत और पुण्य थे, और कितने जन्मों का सत्कर्म था तब राजा बने थे, उनमें सत्कर्मों की कमी नहीं थी, परंतु होने पर भी उन्होंने चतुर्थ आश्रम कोई विशेष वैराग्य पूर्वक त्याग नहीं किया, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए चतुर्थ आश्रम में, चतुर्थ अवस्था होने पर आश्रम में प्रवेश किया और तपस्या करने चले गए। पुण्य पुंज तो उनके थे ही थे, दया करुणा इत्यादि भी अंतःकरण में भरी हुई थी, परंतु परमात्मा की प्रेरणा से प्रसिद्ध रूप से एक हिरण शावक, हिरण के बालक को बचाने के प्रयास में उसकी प्राण रक्षा हेतु उनको पुत्रवत स्नेह करके उन्होंने पाला पोसा। और वही बात फिर से स्मरण करने की है कि मनुष्य है तो उसकी आयु 100 वर्ष है, एक हिरण अथवा मृग इत्यादि पशु पक्षी है तो उनकी आयु 15-20 वर्ष होगी। राजा भरत जस के तस थे, संग्रह किया गया हिरण का बालक कुछ दिनों में मर गया, परंतु तब तक उनकी उसमें ऐसी आसक्ति हो गई थी कि उस हिरण के बिना तो ये तो जीवित ही ना रह पाए, उनके तो लगे कि प्राण तो अब निकल करके गए, तब निकल करके गए, आसक्ति ऐसी चीज है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में यह कथा है विस्तार रूप से। तो उन्होंने देखा कि राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, चतुर्थ आश्रम में प्रवेश, तृतीय आश्रम में उन्होंने वानप्रस्थ होकर के तपस्या कर रहे थे, संन्यास क्या पता वो ग्रहण करना चाहते थे, परंतु एक छोटा सा विघ्न आने के अनंतर उस विघ्न के वशीभूत होकर के उसने पराजित कर दिया इनको और दूसरे जन्म में मृग बन गए, दूसरे जन्म में स्वयं हिरण बन गए, पहले राजा थे। इसलिए पुराणों में फिर से ये बात आई हुई है कि ये तो ही ज्ञानिनो सर्वे पशु पक्षी मृगादय, पशु पक्षियों को भी ज्ञान है, मृगों को भी ज्ञान है, उनको भी जन्मांतर का ज्ञान था, स्मरण था, ओ देखो मैं राजा भरत और किस मोह के कारण मृग बन गया। विस्तार से कथा तो ये आई है कि मृग बनने पर भी उन्हीं घास पत्तों को खाते थे जो घास पत्ते सूखे हुए थे, हरे घास पत्तों को वो खाते नहीं थे, वैराग्य था उन्हें। फिर मृग बन करके और 20-25 कुछ वर्ष उन्होंने यापन किया, वह भी देहापात हो गया, तो फिर से जड़ भरत बन करके ब्राह्मण के बालक बन करके उत्पन्न हुए, वहां भी उन्होंने वही फिर से संसार में फंसने का प्रयास नहीं किया, उससे बचते रहे, वहां सतर्क रहे जन्म से, क्योंकि वो उनका चरम जन्म था, अर्थात उन्होंने समझ लिया था कि बस बस इसी जन्म में हमें अपने आत्मा और अनात्मा का विवेक करना है, इसी में हमें
कल्याण और कृतकृत्य होना है, इसी में हमें इसके आगे और नहीं, और इस श्रृंखला को तोड़ना है, ऐसा समझ करके उन्होंने मूक हो गए, जड़ हो गए, किसी से बोलते नहीं थे, कोई प्रश्न करने पर भी उत्तर नहीं देते थे, किसी के द्वारा पत्थर और वो मारे जाने पर भी, अपमानित करने पर भी वो प्रतिकार नहीं करते थे, ऐसे जड़वत मुखवत उन्मत्तवत वह रहना उन्होंने आरंभ कर दिया। बहुनाम जन्मनाम अंते, अब उनका उस समय वो अवस्था ज्ञानी बनने की अवस्था आ चुकी थी, फिर उन्होंने उस अवस्था में प्रसिद्ध रूप से अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान भी यही कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो दो बड़ी विशेषताएं हो गई, एक विशेषता तो ये हुई कि बहुनाम जन्मनाम अंते इस मनुष्य जीवन में, परंतु मनुष्य बनने मात्र से ही, इसको चरम जन्म मानने मात्र से ही यही हमारा अंतिम है, ऐसा मानने मात्र से ही यदि परमात्मा का ज्ञान न हो तो वह परमात्मा की प्रपत्ति नहीं कर सकता, उसके शरण में नहीं जा सकता। संसार का भी कोई पदार्थ आपको प्राप्त करना होता है तो उसके विषय में आपको ज्ञान रहता है, आप जानते हैं तब उसको प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। जानाति यतते, पहले आपको ज्ञान होगा तब आप प्रयास करेंगे उसकी प्राप्ति के लिए, नहीं तो आपको पहले वस्तु प्राप्त हो जाए, आप जानते नहीं हैं तो संयोग कहा जाएगा, अथवा अज्ञात पदार्थ आपको प्राप्त हुआ। तो ज्ञात पदार्थ के प्रति ही प्रयास होता है, इसलिए परमात्मा कैसा है क्या है ऐसा परोक्ष रूप से शास्त्र श्रवण करके जानना आवश्यक है। ज्ञात होने के अनंतर ही भगवान ने कहा माम प्रपद्यते, मेरे शरण में आता है, आने पर क्या होता है, आकर के देखता है कि अरे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। यदि परमात्मा के शरण में आए और उसको देख ले तो कहे अरे यह तो सब कुछ परमात्मा ही है, नेह नानास्ति किंचन सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ऐसी उसकी अनुभूति होती। अच्छा, आपको मिट्टी का एक घड़ा हाथ में दिया जाए और आपको ठीक से देखने के लिए कहा जाए, और यदि कहा जाए देख के बताओ तो आप कहेंगे घड़ा है, गोल मटोल सा है और मोटा सा इसका पेट है, पतला सा इसका गला है, और ऐसा कम्बु ग्रीवमान घट है, ऐसा आप कहेंगे। और यदि आपको बार बार पूछा जाए कि नहीं नहीं जरा ठीक से देख करके बताओ, अच्छा मिट्टी छोड़ दें, आपको एक सोने का घड़ा दिया जाए और उसे पूछा जाए बताओ कैसा है, तो आप कहें हाँ घड़े जैसा है ऐसा गोल गोल सा। तो फिर से पूछा जाए नहीं नहीं ठीक से बताओ कि क्या है, तो आप कहेंगे ठीक से बताने का अभिप्राय आप लक्षित करेंगे, तब आप कहेंगे कि ठीक से बताऊं तो बताऊं, ये तो सोने का घड़ा है। जब आप घड़े को ठीक से बताएंगे, आप यथार्थ रूप से बताएंगे तो वो घट घट नहीं है, वो तो वाचारंभ मात्र है, विकार है, उसको घट ऐसा नाम दिया गया है, परंतु क्या है वो सोना है, मृत्तिका इति एव मृत्तिका है। तद्वत ये जो परमात्मा है ज्ञानवान माम प्रपद्यते, परमात्मा के शरण में जाकर के उनको आश्रय करके उनके स्वरूप के संबंध में नित्य निरंतर चिंतन करके जब वो देख लेता है कि जब प्राप्ति उसको हो जाती है, तो पहले जिसको संसार मठ घट अहम मैं और मोर इत्यादि वो करता रहता था, ये घट है, ये पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है, परंतु ज्यों ही वो परमात्मा के शरणापन्न होकर के जानता है तो सर्व विष्णुमयम जगत, अरे ये तो परमात्मा है, कोई पूछे बताओ क्या है ठीक से तो कहे कि सब भगवान की माया है, सब परमात्मा है, ईश्वरी है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है क्या, सोने के अतिरिक्त सोने के घट में और कुछ है क्या, मृत्तिका के अतिरिक्त मिट्टी के घट में और कुछ है क्या, ठीक से यदि आप देख करके निर्णय कर ले तो। जैसे नहीं होता, तद्वद यह जो ज्ञानी भक्त है वह भी अपने परमात्मा अपने आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु देखता नहीं है। वासुदेव सर्वमिति यत किंचित, जो सर्वम है वह वासुदेवम परमात्मा ही है, दिखेंगे भिन्न भिन्न आपको, तब भी पृथक पृथक दिखेंगे, घट घटत तो ये नहीं दिखेगा, पर आपको ज्ञान क्या होगा, सोना है, मिट्टी का घट मिट्टी के घट के रूप में ही दिखेगा, घटाकार ही रहेगा, वो बदल करके पिघल के सोने की बिस्किट नहीं हो जाएगा घट, परंतु आप जानेंगे ज्ञान होगा कि अरे ये तो मृत्तिका ही है। जैसे आपको एक चित्र दे दिया जाए, चित्रपट, पहले पहले के समय में लोग चित्र बनाते थे कपड़ों में और उसको कहा जाता था चित्रपट, आजकल की भाषा में शायद उसको कैनवस इत्यादि कुछ कहते हैं, जिस पर चित्र उकेरे जाते हैं। तो यदि चित्र एक आपको कपड़े पर उकेरा गया एक चित्र दिया जाए और उस चित्र में एक ऋषि बैठे हुए हों तपस्या करते हुए,
उनके ऊपर बगल में एक वट वृक्ष हो विशाल, उसकी जड़ों पर आसन लगा करके ऋषि बैठे हुए हों, पास में एक गौ खड़ी हो और थोड़ी सी दूरी पर एक सरोवर हो, उन सरोवर में फिर हंस इत्यादि तैर रहे हों, ऐसी सुंदर एक मनोरम दृश्य उकेरा गया, एक चित्रपट यदि आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि जरा बताओ इसमें क्या है, तो आप कहेंगे हाँ ऋषि हैं, पेड़ की जड़ पर पेड़ के मूल में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और नज़दीक में गौ माता बंधी हुई है, सरोवर है। पूछा जाए कि अच्छा ये जो ऋषि हैं और गौ हैं उनमें कोई भिन्नता है कि दोनों समान हैं, आप कहेंगे भिन्नता है, एक ऋषि है और एक गौ माता है, और उधर जो हंस हैं वो बोले वो पशु पक्षी मृगादे वो पशु पक्षी हैं, और वो जल बोले जल भी है, परंतु जल है पर आप उस जल को उछील करके उससे प्यास आप नहीं बुझा सकते, वहां जड़ चेतन का भेद दिखाई देता है, ऋषि गौ माता हंस इत्यादि चेतन है, पेड़ है घास है जल है वो जड़ है, पत्थर भी है, परंतु ये सारी चीजें दिखने पर भी वहां से कोई आप निकाल करके उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, वो पट के अतिरिक्त तो उसकी कोई सत्ता नहीं, वहां उकेरा गया है, आपको देखने पर ऐसा लगता है, तत्पर ये संपूर्ण वैचित्र्यमय जो प्रपंचात्मक जगत है वह भी वहां कुल क्या है, उसमें उदाहरण इसलिए दिया जा रहा था कि वहां कुल क्या है, कुल वहां एक पट है, एक कपड़ा है, उस पट के ऊपर चित्र उकेरे गए हैं, उस पट के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, परंतु ऋषि भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, गौ माता भी हैं, सकल पदार्थ होने पर भी पट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जैसे तद्वद वासुदेव सर्वमिति, यह जो परम संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत भी क्या है, उसी ब्रह्म अधिष्ठान में परमात्मा आधार में परमात्मा आश्रय में यह सकल प्रपंच यथायोग्य तरीके से दृश्यमान है, व्यवहारित भी हो रहे हैं, होने पर भी उस परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त इस इनकी अलग से कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा वह जान लेता है, वासुदेव सर्वमिति, ऐसा जानने वाला है अर्जुन महात्मा है, वो ज्ञानी है, उसको बहुत जन्म जन्मांतर के सुकृत पुण्य के कारण हमने उसकी प्रतीक्षा की है, अब जाकर के उसने हमारी शरणागति ग्रहण की है, माम प्रपद्यते मेरे शरण में आया हुआ है, इसलिए हे अर्जुन मैं उसको महात्मा मानता हूँ, उससे बड़ा महात्मा नहीं है, उस महात्मा ने अपने आत्मा को ही श्रेष्ठतम धन मान लिया, उसमें आत्म विभूति है, आत्म वैभव है, आत्म ही शौर्य से युक्त है, इसलिए वह महात्मा तो अत्यंत दुर्लभ है, बाकी तीन जो अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी भी मेरे भक्त हैं, परंतु ये जो ज्ञानी भक्त है जिसके चित्त में वासुदेव सर्वमिति ऐसी भावना दृढ़ हो गई है, वह महात्मा तो है अर्जुन अत्यंत दुर्लभ है और वही मेरा प्रिय भी है, ऐसा भगवान ज्ञानी भक्त की प्रशंसा में कहना चाहते हैं। आगे के प्रसंगों में फिर से आर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी इत्यादि भक्तों की बात है जो वासुदेव सर्वमिति ऐसा नहीं कर पाते, परंतु परमात्मा के सत्ता से अनभिज्ञ है, ऐसा नहीं सत्ता को स्वीकृत करके उनसे ही अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, ऐसे आर्त भक्तों की फिर से चर्चा है, उन चर्चाओं को आगे हम लोग यथायोग्य समय के अनुसार फिर से प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शान्ति शान्ति।